बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हिंदी इस बोर्ड के इस नए वीडियो में। और आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रेनो 7 5G के बारे में, जो बस कुछ ही देर पहले मार्केट में लॉन्च हुआ है। बॉक्स ओपन करेंगे, देखेंगे इसमें क्या क्या कंटेंट मिलता है और साथ ही बात करेंगे इसके फीचर्स के बारे में। चलिए बॉक्स ओपन करते हैं। और बॉक्स ओपन करने पे सबसे पहले आपको यहाँ पे एक सिलिकॉन का केस मिलता है और अंदर कुछ मैनुअल दी गई हैं, सेफ्टी मैनुअल्स, जिसमें अलग अलग फीचर आपको देखने को मिलते हैं। और एक चार्जर हमें मिलता है, 65 वॉट का ये चार्जर है, बहुत बड़ा है साइज़ में। और ये हमारी मेन डिवाइस है, देखने में बहुत अच्छी लग रही है। डिवाइस को हम बाद में चेक करेंगे इसके फीचर्स क्या हैं, इसमें क्या क्या आपको कैमरा सेटअप मिलता है। और बॉक्स में फिलहाल इतना ही है, एक टाइप सी केबल भी इसमें आपको मिलती है और इसे हम साइड रखते हैं। और जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये है हमारा रेनो 7 5G, देखने में बहुत प्रीमियम फिनिश है। कलर डिपेंड करता है आपको कैसा लग रहा है, पर्सनली ये कलर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। डुअल टोन में रियर पैनल दिया गया है। कैमरे का डिज़ाइन बैक साइड में देखेंगे, थोड़ा सा हो सकता है कुछ लोगों को ये ऑड लगे, लेकिन ये एक अच्छा कैमरा सेटअप यहाँ पे मुझे लग रहा है। 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है और 2 मेगापिक्सल का माइक्रो सेंसर इसमें मिलता है आपको। सेल्फी कैमरे की बात करें, ये 32 मेगापिक्सल का है। मेन इसका जो फ़ोन का हाईलाइट है वो एक्चुअली सेल्फी कैमरा है। 32 मेगापिक्सल बहुत पावरफुल कैमरा दिया गया, इससे आप पोर्ट्रेट शॉट आसानी से ले सकते हैं। साथ ही 6.43 इंच की इसमें स्क्रीन दी गई, 90 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले है। स्क्रीन साइज बहुत अच्छा है, अगर 6.6 इंच की स्क्रीन होती शायद साइज का थोड़ा बड़ा होता है, इसे कैरी करने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती थी। 6.4 इंच का स्क्रीन है, ये बहुत ही अच्छा साइज़ है, बहुत ही पॉकेटेबल है, इसे अगर आप हाथ पे पकड़ेंगे तो आसानी से कैरी कर सकते हैं। एंड्रॉयड 11 पे रन करता है, कलर ओएस 12 इसमें मिलता है आपको। फ़ोन के अंदर AI सीन रिकॉग्नाइजेशन का फीचर दिया गया है, जो डिफ़ॉल्ट ऑन रहता है, खासकर अगर नाइट में आप वीडियो वगैरह शूट करते हैं तो ये फीचर काफ़ी काम आता है। सोल लूप जैसी ऐप दी गई है, ये एक तरीके की क्रिएटिविटी ऐप कह सकते हैं आप। अगर आप एक क्रिएटर हैं तो इसमें आप अपने व्लॉग वगैरह जो है वो एडिट कर सकते हैं। कई तरह के फिल्टर आपको मिल जाएंगे, कई तरह के स्टिकर्स मिल जाएंगे, बहुत सी चीज़ें हैं इसमें एडिट करने की। साथ में कई प्री लोडेड ऐप्स भी आपको दी गई हैं, इन्हें आप चाहें तो अनइंस्टॉल कर सकते हैं या फिर रहने दे सकते हैं अगर आप इन्हें यूज़ करते हैं। पावर की बात करें, इसमें दिया गया है मीडियाटेक का डायमेंसिटी 900, जो 6 nm प्रोसेसर है, ऑक्टा कोर आर्किटेक्चर पर बेस है ये। 8 GB की रैम मिलती है, 256 GB का स्टोरेज इसमें दिया गया है। अगर आप चाहें तो रैम को कम ज़्यादा कर सकते हैं। एयर गेस्चर का फीचर इसमें एक अच्छा दिया गया है, आप इसको, आप कोई कंटेंट पढ़ रहे हैं या फिर कोई भी ऐप यूज़ कर रहे हैं उसको स्क्रॉल करना चाहते हैं तो हैंड गेस्चर की मदद से उसे आप स्क्रॉल कर सकते हैं, आपको फ़ोन को टच करने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही AI सिस्टम बूस्टर इसमें दिया है। ओप्पो का कहना है कि आपकी मेमोरी, यानी आपके फ़ोन की मेमोरी जो है, इसमें ये फीचर काफ़ी काम करता है। 30% तक की मेमोरी जो है ये आपकी बचा सकता है अगर आप AI सिस्टम बूस्टर का ऑप्शन चूज़ करते हैं, जिसकी वजह से पावर भी कम लगता है। तो 20% तक की पावर जो है इससे सेव हो जाती है, और पावर सेव होती है यानी आपकी बैटरी लाइफ भी जो है वो थोड़ी बढ़ जाती है। तो ये कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो इसके हाइलाइट्स कहे जा सकते हैं, इसमें ये सारे फीचर आपको मिल जाते हैं। ओवरऑल हम देखें तो फ़ोन देखने में बहुत अच्छा है, काफ़ी पॉकेटेबल है, स्क्रीन साइज़ इसका बहुत अच्छा है, स्क्रीन के कलर्स बहुत ज़्यादा हाईफाई तो नहीं कहूँगा लेकिन हाँ ओके ओके है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इसके स्क्रीन यूज़ करने में। 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा नो डाउट हाईलाइट है इसका। आगे आने वाले रिव्यू में आप जान सकेंगे कि ये कैमरा कैसा परफॉर्म करता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपको ये फ़ोन कैसा लगा और इससे जुड़ा कोई अगर सवाल है तो आप नीचे कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। चल मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।